नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। आपके सामने कुछ देश दुनिया की बड़ी खबरें लेके आए हैं। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 500 के पार, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,707 हुई। देश में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 14,792 मामले सामने आए हैं, जिसमें बढ़ोतरी जारी है। सरकार ने बताया कि कुल संक्रमित मामलों में से 4,291 मामले जमात से जुड़े हैं। देश में 15,000 के पार पहुंचे संक्रमित मरीज, अब तक 507 लोगों की मौत। अब तक 15,712 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 507 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में तबलीगी जमात से जुड़े संक्रमित लोगों की संख्या 4,000 से ज्यादा हो। चीन से और 3,00,000 रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट आएंगे भारत। 15 मिनट में कोविड-19 की होगी जांच। गुरुवार को भेजी गई 6,50,000 किट्स पहले चीन से मंगवा चुके हैं पीपीई किट्स। चीन ने 3,00,000 और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट भारत में भेजे। इन किट्स का इस्तेमाल कोरोना वायरस को तुरंत जाँच के लिए किया जाएगा। कोरोना से जंग के बीच पुलिस विभाग को बड़ा सदमा, इंदौर में वायरस थाना प्रभारी की मौत। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव पुलिस कर्मी की मौत, कई दिनों से अस्पताल में चल रहा था इलाज। लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मुद्दे पर कोर्ट ने केंद्र दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दिल्ली सरकार, महिला आयोग को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहे पोल खोल पोस्ट के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।